They lost the game yesterday as well. Not going right for this team this season. Kichar just having a word with his bowler, Chandan. Conceded 10 runs in his opening over, Chandan. But Ajay, if you look at the way Karnataka Bulldozers has approached to this format, I think they need to get used very quickly, whereas otherwise they're left behind. That's another chance of a wicket here. Taken! Absolutely! From Digant. It's a much needed breakthrough from Chandan. Mumbai Heroes lose their second wicket. Set batsman gone. जी हाँ, बिल्कुल ये समस्या है कि दोनों सेट बैट्समैन आउट हो गए लगातार. बड़े शॉट ले गए थे ऑफ साइड पे. बहुत ही बढ़िया कैच, आसान नहीं है. गेंद स्वर्ल करती है और कंधे के पीछे जा रही थी. एक और सफलता मिलती हुई यहाँ पे बुलडोजर्स को, चंदन को मिलती हुई उनकी पहली विकेट. और वापस जाना होगा जय भानुशाली को. बेहतरीन पारी, 43 रन बनाए 78 पे 2. नए बैट्समैन अपूर्व लाखिया हैं, एक और अच्छे स्ट्राइकर हैं. फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे. सुदीप लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए. पर सुनील, दो बड़ी विकेट और बहुत जल्दी दोनों सेट बैट्समैन अब पवेलियन लौट चुके हैं. एब्सोल्युटली अजय, यू नो द वे तरुण हैज बोल्ड 2 डॉट बॉल्स 3 डॉट बॉल्स आउट ऑफ दैट 2 बिग विकेट्स, 2 सेट बैट्समैन. प्रेशर ऑन मुंबई हीरोज नाउ. सी अपूर्व लाखिया एंड शरद खेलकर हाउ दे गोइंग टू टैकल दिस वन. ये काफी बाउंड्री राइडर्स है. अगर आप देखें शरद, हालांकि अपना खाता खोला नहीं है, पहली गेंद का सामना कर रहे हैं. पूर्व अभी भी आए हैं, वो भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं. बिल्कुल कुंबले की तरह बढ़िया टप्पे पे सटीक लाइन और लेंथ. और ऐसा लग रहा है थोड़ी मुश्किल में है सुदीप. ओ, आज बहुत खिलाड़ी घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं. मनोज तिवारी को हमने देखा, फिर हमने अब वरुण बडोला को देखा. नवराज भी फील्ड से बाहर गए और अब कर्नाटक बुलडोजर के कप्तान. Absolutely, I think today Sudeep was not wearing a chest pad. I think hit him on the right on the chest. Oh yes, I think he is in all sorts of pain. He is missing his chest guard today. Absolutely, I think we saw the couple of injuries in the first innings as well. And we see Ramakant, their physio, getting his little bit of ice pack to his chest, stomach. Yes, stomach. Absolutely. And we need to understand. He gets the chest guard now there. I think you've forgotten to wear the chest guard. He's absolutely packed now. या आप पहने पर उछाल देखिए. आप लाइन तो हम बात कर रहे थे, पर उछाल देखिए. एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ऊपर गेंद आएगी. कई बार जब गेंद सीम पे लैंड करती है, आप तो गेंदबाज रहे हैं सुनील, एकदम अधिक उछाल मिलता है. और अब वो चेस्ट पैड की आप जिक्र कर रहे हैं, कल नजर आ रहा था, पर अब वो चेस्ट पैड पहनते हुए थोड़ी मुश्किल में थे. पर अच्छी चीज है, हेलमेट डाल रहे हैं तो अब फिट है. एब्सोल्युटली अजय, आई थिंक चंदन बोल्ड वेरी वेल द फर्स्ट 2 बॉल्स एंड द प्रीवियस ओवर ऑल्सो इज डन वेल. Because the area where he was bowling, you have mentioned about Kumble's action. We can see a few glimpses the way Anil gets to his run up, and he got 2 important wickets. Remember, मुझे तो एक मैच याद आता है, मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था बेंगलुरु में, आप गेंदबाजी कर रहे थे, कुंबले कर रहे थे बिल्कुल एक टप्पे पे, और मेरे साथ सिद्धू थे. मुझे सिद्धू कहते हैं, यार ये कोई बॉल छोटी नहीं डाल रहे, क्या करें. और कुंबले तो इतनी तेज तेज डालते थे, जंबो उनको हम कहते थे. बिल्कुल भी आगे आना, कदमों का इस्तेमाल करना नामुमकिन. ओ, एक और विकेट, अंदरूनी किनारा, ये स्टंप पे लगती हुई. एक और सफलता यहाँ पे बुलडोजर्स के लिए. क्या हो रहा है, ये मुकाबले ने नया रुख ले लिया है. एब्सोल्युटली अनदर विकेट फ्रॉम चंदन एंड पुट्स मुंबई हीरोज ऑन द बैक फुट. दिस इज यू नो thing it's got onto the inside edge. Yes, absolutely, but nevertheless that's a wicket. Let's see the punch from Chandan, much needed for Karnataka Bulldozers. Apna khata bhi nahi khol paaye. 78 pe 3 up Heroes. Navraj Hans naye batsman aate hue, kal achhi ballebazi ki thi, kal achhi lay mein nazar aa rahe the. Baraj, ek naya din hai, पर क्या इस मुकाबले ने एक नई करवट ली है, वक्त बताएगा. लगातार 3 विकेट गिरे हैं. शरद केलकर पिछले बैट्समैन जो आउट हुए, अपना खाता नहीं खोल पाए.
बेहतरीन ओवर अभी तक चंदन का। ओह पहले खुद ही दौड़ रहे थे पर याद आया कि रनर मेरे साथ है, फिर रुक गए, चोटिल हुए थे, बाहर चले गए थे। एब्सोल्युटली अजय, यू नो दिस इज, कल हमने देखा था हंसराज इनके बेटे नवराज हंस के, कैन सी द विकेट हियर, बट उन्होंने कल काफी अच्छी बैटिंग किए थे, बट क्या आज करेंगे, अपनी टीम को लेके जाएंगे बाउंड्री लाइन के उस पार तक। या दूर से खेल गए और तभी वो अंदरूनी क्या लगा, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं बहुत जरूरी है जो आपका जो पैर है, बायां पैर है, वो पिच तक जाए। दूर से आप खेलेंगे तो हमेशा चांसेस है कि इनसाइड एज लगेगा, अंदरूनी किनारा लगेगा, और वही हुआ, तभी अपने विकेट गवाई शरद केलकर ने। पर इस मुकाबले में एक नई जान आई है, थोड़ी सी मूवमेंट बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने हटना होगा, मजे ले रहे थे, बिल्कुल बढ़िया व्यू ले रहे थे सामने से, पर अब हट गए हैं। एब्सोल्युटली अपूर्व लखिया लुकिंग एट हिज एरिया वेयर ही कैन गेट रन्स। इट्स अनदर डॉट बॉल फ्रॉम चंदन। ये यहाँ पे पांच गेंदों में दो विकेट, दो डॉट बॉल। देखिए यही होता है T10 में, अगर आप एक अच्छा ओवर डाल दें तो पूरा मुकाबला बदल जाता है। दो विकेट लिए हैं, केवल एक रन दिया है सुनील, और पांच गेंदें हो चुकी हैं। ऐसी ओवर की दरकार थी बुलडोजर्स को, बहुत ही बेहतरीन ओवर, गेंदबाजी, ड्राइव किया अपूर्व लाखिया ने, केवल एक रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर, 80-3। At the moment, the tension really mounting as far as this game is concerned. Don't know whom she's supporting at the moment. Absolutely, Ajay. But nevertheless, the glamour is part of cricket celebrity, and it has to be. We have a new bowler, Mahesh. I have to give a little bit of introduction of Mahesh. Mahesh, he is one of the prominent and well-famous actor in Karnataka. Yeah, lovely tattoos, just see the arms of Apoorv Lakhia, some lovely tattoos, oh, all over the arms. Absolutely, Ajay, Apoorv Lakhia, agar haath mein itna hai, to baki jage, we need to, look at his six-pack. You know, once I was coming with Virat Kohli in the flight, and I was seeing his tattoos as well. You know, he's got some very powerful biceps and almost very similar, covering all over. I think this is a trend nowadays. You see so many cricketers at the first class level as well. Just see one tattoo in his neck as well, just going down. So he's a tattoos man, Apoorv Lakhia. Come on, Maggie. But here, he needs to get some runs here for Mumbai Heroes. Well, he's done well. He's really been very impressive, Sudeep, as far as the captaincy goes.